नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के बनने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 25 जिलों के 67 बीईओ के खिलाफ शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। चुनाव आयोग की कई कोशिशों के बाद भी बूथ तक नहीं पहुंचे कई मतदाता। लू के कारण प्रदेश में कई जगहों पर जारी हुआ येलो अलर्ट। पहले चरण की मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीएम मोदी ने दी बधाई। LSD और CSK के कप्तान को BCCI ने दिया तगड़ा झटका। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। चुनाव आयोग की कई कोशिशों के बाद भी बूथ तक नहीं पहुंचे कई मतदाता। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव समाप्त हुआ है। इस बार चुनाव में अपेक्षा से भी कम मतदान देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि मतदान का औसत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कई कोशिशें की थी। यहाँ तक कि पक्ष विपक्ष पार्टी के सभी नेताओं और अखबार ने भी मतदाताओं को जागरूक किया और बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की बात कही गई। बावजूद इसके पिछले 3 चुनावों के औसत से इस बार हम आगे नहीं जा पाए। राजनीतिक दलों के प्रति महज 27% मतदाताओं ने ही निष्ठा व्यक्त की है। आपको बता दें कि इस तथ्य की जानकारी चुनाव आयोग के सर्वे ज्ञान दृष्टिकोण और व्यवहार 2023 की रिपोर्ट में सामने आई थी। इस रिपोर्ट से साफ है कि मतदाताओं के निष्ठा राजनीतिक दलों में पहले से काफी कम हुए हैं और इसके जिम्मेदार खुद राजनीतिक दल ही हैं। 25 जिलों के 67 बीओ के खिलाफ शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक बार फिर से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव शिक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। के पाठक ने बिहार में 25 जिलों के 67 बीओ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का फोन नहीं उठाने वाले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के खिलाफ की गई है। कार्रवाई करते हुए कहा गया है कि इनके वेतन बंद कर दिए जाए। जिन 25 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है उसमें मुजफ्फरपुर, मधुबनी, किशनगंज, नालंदा, पटना, पूर्णिया, गोपालगंज, रोहतास, पूर्वी चंपारण, सहरसा, बक्सर, समस्तीपुर, भोजपुर, सारण, भागलपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, सिवान, बांका, शेखपुरा, बांका, सुपौल, वैशाली, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद और अररिया जिला शामिल है। हरियाणवी गाने पर धूम मचा रही भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन अक्षरा सिंह। भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन कही जाने वाली अक्षरा सिंह अब हरियाणवी गाने पर धूम मचा रही हैं। आपको बता दें कि अभी हाल में ही अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। ये पोस्ट उनके लेटेस्ट वीडियो डिफेंडर गाने का है, जिन्हें खूब व्यूज और लाइक्स मिल रहे हैं। इस म्यूजिक वीडियो में भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह पंजाबी पॉप स्टार मनकीरत औलख के साथ नजर आ रही हैं। 5 अप्रैल को YouTube पर रिलीज हुआ ये गाना अब काफी ट्रेंड कर रहा है। इस म्यूजिक वीडियो में डिफेंडर गाने पर पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख और रेणुका पंवार ने अपनी आवाज दी है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। लू के कारण प्रदेश में कई जगहों पर जारी हुआ येलो अलर्ट। प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। राजधानी पटना में तो ये तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस के करीब में देखने को मिला है। प्रदेश में कई जगहों पर गर्म पछुआ हवा का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। पछुआ हवा के कारण लू जैसे हालात बन चुके हैं। लोगों को दोपहर के समय में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। प्रदेश में कई जगहों पर लू को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अपने ऊपर लगे आरोप पर AIMIM के अख्तरुल इमान ने दी प्रतिक्रिया। किशनगंज लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस बार बिहार के किशनगंज लोकसभा सीट पर जदयू, कांग्रेस और AIMIM के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब इसी बीच राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। जदयू और कांग्रेस के नेताओं ने AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और उम्मीदवार अख्तरुल इमान पर धार्मिक आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाया है। अब इस आरोप को लेकर अख्तरुल इमान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि किसी की भी मजाल नहीं है कि उन पर मजहब के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाएं। मैं एक ईश्वर को मानने वाला हूं, सभी मजहब का सम्मान करता हूं। यहां पर भाजपा का उम्मीदवार है जिसका जन्म ही सांप्रदायिकता के नाम पर हुआ है। कांग्रेस ने डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लिया है। स्क्रैप बेचकर समस्तीपुर रेल मंडल ने बनाया नया रिकॉर्ड। बिहार में कई बार रेल इंजन और कभी रेलवे ट्रैक चोरी होने के मामले में रेलवे परेशान हो गया था, जिसके बाद स्क्रैप बेचने की योजना बनाई गई। अब इससे रेलवे को बड़ा मुनाफा हुआ है। आपको बता दें कि समस्तीपुर रेल डिवीजन ने स्क्रैप बेचकर 2.93 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जो अब तक का नया रिकॉर्ड बन चुका है। डिवीजन प्रशासन ने इस बात की जानकारी दी है कि समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड हायाघाट थलवाड़ा स्टेशन के बीच ब्रिज संख्या 17 और 2 इंजन के स्क्रैप के नीलामी के तहत एक दिन में 2.93 करोड़ राजस्व प्राप्त किए गए हैं। इस मामले में समस्तीपुर रेल मंडल पूर्व मध्य रेलवे में सबसे आगे हो चुका है।
मोतिहारी सीट से मुकेश सहनी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा। महागठबंधन में शामिल हुई विकासशील इंसान पार्टी ने मोतिहारी में अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। दरअसल पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मोतिहारी से डॉक्टर राजेश कुशवाहा को टिकट दिया है। महागठबंधन में वीआईपी की तरफ से उम्मीदवार बने डॉक्टर राजेश भाजपा के राधा मोहन सिंह को टक्कर देंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेश को वीआईपी की तरफ से सिंबल दे दिया गया है। आपको बता दें कि राजद ने महागठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी को झंझारपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण की संसदीय सीट दी थी। अब तीनों ही सीट पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जा चुकी है। पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि प्रत्याशियों की घोषणा के बाद जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया गया है। चुनाव प्रचार के लिए अपने चौथे दौर पर इस दिन बिहार आ सकते हैं पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर एनडीए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। अभी तक प्रधानमंत्री एनडीए के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने और जनता से वोट मांगने 3 बार बिहार आ चुके हैं। अब उनका बिहार के लिए चौथा दौरा 26 अप्रैल को हो सकता है। आपको बता दें कि मुंगेर और अररिया में प्रधानमंत्री चुनावी रैली को संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के दिग्गज नेता और गृह मंत्री अमित शाह भी कल कटिहार आने वाले हैं, जहां वे अपनी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बिहार के मतदाताओं को अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी के एक से कई बड़े नेता का बिहार में चुनावी कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी के सामने खड़े किए सवाल। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए तेजस्वी के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा है कि जंगल राज के युवराज पर राहुल गांधी का रंग इतना अधिक चढ़ चुका है कि उन्हें की तरह वो भी सीना ठोक कर झूठे बयान देने लगे हैं। जनता से झूठे वादे करने में तो उन्होंने अपनी ही पार्टी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और अब उन्हें नीतीश सरकार के कामों का झूठा श्रेय लेने में भी शर्म नहीं आ रही है। आगे उन्होंने लिखा कि अपनी हर सभा में वो दूसरों से खूब सवाल पूछते हैं, लेकिन खुद से पूछे गए सवालों का जवाब देने में उनके पसीने छूट जाते हैं। वो बताएं कि लोगों के मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब देने की हिम्मत वो कब दिखाएंगे? क्या उनके राजनीतिक गुरुओं ने उन्हें जवाब देने की ट्रेनिंग नहीं दी है? बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद तेजस्वी ने बीजेपी को बताया फ्लॉप। बिहार में पहले चरण में 4 सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सभी 4 सीटों पर जीत दर्ज होगी। बीजेपी की 400 पार वाली फिल्म फर्स्ट डे पर ही सुपर फ्लॉप हुई है। अब बीजेपी के दिन लद गए हैं। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में तेजस्वी ने लिखा है कि 2024 में 400 पार वाली भाजपाई फिल्म फर्स्ट डे पर ही सुपर फ्लॉप हो गई है। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बीजेपी के दिन अब लद चुके हैं। इनका झूठ और जुमलों का पहाड़ अब ढह चुका है। कुशवाहा कुर्मी पटेल वैसे पर बयान देते हुए आनंद मोहन का वायरल हो रहा ये वीडियो। इन चुनावी सरगर्मियों के बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आनंद मोहन कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो कुशवाहा कुर्मी पटेल वैसे समाज में नहीं जाएंगे, राजपूत समाज में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सब तो हमारे अपने हैं। हम उन जगहों पर जाएंगे जहां जो कहते हैं कि आनंद मेरा नहीं है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक आनंद मोहन का वायरल हो रहा ये वीडियो 17 अप्रैल का बताया जा रहा है। ये बातें उन्होंने तब कही जब ये शिवहर में एनडीए कार्यकर्ताओं और वोटरों को एक कार्यक्रम के दौरान संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि शिवहर लोकसभा सीट पर 6ठे चरण में चुनाव होना है। इस सीट से आनंद मोहन की पत्नी एनडीए की तरफ से प्रत्याशी के रूप में चुनाव में खड़ी हुई है। वहीं इनके सामने महागठबंधन से रितु जायसवाल चुनावी मैदान में है। बिहार में पहले चरण में 4 सीटों पर हुए चुनाव को लेकर संजय झा का बयान। बिहार में पहले चरण में हुए मतदान को लेकर जदयू के संजय झा का बयान सामने आया है। उन्होंने पहले चरण में 4 सीटों पर हुए मतदान को लेकर कहा है कि चारों जगहों पर हम लोग गए हैं, चारों जगह वन साइड इलेक्शन है। लोगों को पता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनानी है और बिहार का इंटरेस्ट किससे है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ड्रीम कॉम्बिनेशन है। बिहार की जनता चाहती है कि दोनों लोगों के साथ आने से बिहार और देश का बड़ा कल्याण हो, उसी के नाम पर लोग वोट करें। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव पर इस मामले में परिवाद हुआ दायर। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित कई लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है। बता दें कि ये परिवाद बीएसपी नेता और अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने करवाया है। इस मामले को लेकर उन्होंने बताया है कि चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी भारतीय सार्थक पार्टी को सिंबल नाव छाप दिया था, जिसके बाद से इसको छोड़ने और वापस करने के लिए वीआईपी पार्टी लगातार दबाव बना रही थी।
इसके बाद भी कई जिलों की चुनावी रैली में मुकेश सहनी और अन्य हमारे सिंबल का यूज कर रहे थे। इस मामले में 27 अप्रैल 2024 को सुनवाई होने वाली है। मिली जानकारी के मुताबिक ये परिवाद आवंटित सिंबल के दुरुपयोग और भी कई अन्य गंभीर आरोप को लेकर दायर हुए हैं। साथ ही इस मामले पर चुनाव आयोग से भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। पहले चरण की मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीएम मोदी ने दी बधाई। पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया बिहार समेत पूरे देश में समाप्त हो चुकी है। इस दौरान 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर करीब 63% वोटिंग हुई है। पहले चरण के मतदान समाप्त होने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि कल देश में पहले चरण का मतदान सम्पन्न हुआ है। मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को, विशेषकर हमारी पहली बार के मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूं। एलएसडी और सीएसके के कप्तान को बीसीसीआई ने दिया तगड़ा झटका। शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला देखने को मिला। इस बीच इस मैच में एलएसडी ने सीएसके को 8 विकेट से हराया था, लेकिन इस मैच में दोनों ही टीम के कप्तान को बीसीसीआई ने तगड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि बीसीसीआई ने लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को स्लो ओवर रेट के लिए दोषी ठहराया है और आईपीएल की आचार संहिता का उल्लंघन माना है। इस गलती के लिए दोनों ही कप्तान पर 12-12 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि आईपीएल के सीजन का ये पहला अपराध जिसका खामियाजा दोनों ही टीम के कप्तान को झेलना पड़ा है। बीसीसीआई के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राज किशोर महतो, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, मुन्ना ठाकुर, सादुल्ला पालवी, रवि कुमार राम, कुमार प्रजापति, सुनील कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, नौसाद रजा, मोहम्मद फहीम, कन्हैया कुमार, रविकांत पटेल। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में भी लू वाली हवा की स्थिति बन रही है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।